जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज से ट्यूसडे ट्यूसडे के दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आपको वेडनेसडे को ही मिलेगा। तो मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन है, गले में दर्द कम नहीं हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने आपको वही रीज़न बताया है कि मैंने ठंडा और गर्म पानी मिक्स करके पिया है, तो वो असर दे रहा है अभी। तो मैं अगर आपको वेदर की बात बताऊं तो हमारे यहाँ मौसम बहुत ही जल्दी से चेंज हो गया है। मैंने स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, मैंने थोड़ी सी क्लिप डाली है बाहर की, तो बहुत ही जल्दी से अभी तक हमारे यहाँ, मैं अगर आपको बताऊं तो फरवरी में कभी कभी बर्फ़ भी पड़ जाती थी हिमाचल में, हमारे यहाँ चंबा में। बट अभी की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ही मौसम चेंज हो गया है। और गर्मी वाली देखिए, मैंने स्वेटर वगैरह निकाल दी है, काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे वैसे होता नहीं है, बहुत कम ऐसे होता है, क्योंकि हमारे यहाँ अप्रैल तक सर्दी रहती है। मैं अपनी शादी की बात बताऊं तो मेरी शादी अप्रैल में हुई थी, 18 अप्रैल को मेरी शादी, में डेट भी भूल गई, 18 अप्रैल को मेरी शादी हुई थी। तो मैंने शादी के बाद, जब मैं यहाँ आई थी तो शादी के बाद भी मैं स्वेटर डालती थी उन दिनों में। तो सोच लीजिए उस टाइम कितनी ज़्यादा ठंड थी। और अभी की अगर आप बताऊं मैं बात आपको, तो आज मैंने सुबह भी जब मैंने किचन के काम करने के लिए गई तो मैंने स्वेटर नहीं डाली थी, क्योंकि मौसम बड़ी ज़्यादा जल्दी से चेंज हो गया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि विंटर है, क्योंकि काफ़ी जल्दी गर्मी जल्दी ही आ गई है इस बार। तो अगर मौसम की बात बताऊं तो इतनी जल्दी नहीं चेंज होता है, बट पता नहीं इस बार क्यों जल्दी से चेंज हो रहा है। गर्मी ज़्यादा पड़ेगी शायद इस बार, और गर्मी की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे अभी हम ऊपर हैं, अब कुछ टाइम बाद नीचे चले जाएंगे, क्योंकि गर्मी में हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, नीचे वाली जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर रहते हैं। तो अभी हमने सोचा था कि हम अप्रैल तक, मार्च के लास्ट तक यहीं रहेंगे, बट जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उससे लग रहा है कि जल्दी ही भागना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और वो होता है ना कि खाने पीने की चीज़ें भी ख़राब होने लग पड़ती है, तो उसी के को देखते हुए हमने सोचा है कि जल्दी से नीचे भी चले जाएँगे। बट अभी सोच रहे थे कि कुछ काम वगैरह हो जाए पहले थोड़ा सा, उसके बाद नीचे जाएंगे, बट लगता नहीं है इतना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मैं आज आपको छोटा सा क्लिप दिखाऊंगी गाइस, क्योंकि हम कुछ दिन पहले एक मंदिर में गए थे, वहाँ पे मेरा फ़ोन तो सिम्मा के पास था, उसने मुझे बिल्कुल नहीं दिया, तो मैंने तो बिल्कुल शूट नहीं किया है। सिम्मा के पापा के फ़ोन से मैंने वीडियोस वहाँ से उनकी क्लिप ली है, वो आपको दिखाऊंगी मैं निकाल के, कि इतना अच्छा वेदर था, कितनी अच्छी पहाड़ियाँ, कितनी सुंदर पहाड़ियों, चारों तरफ बर्फ़ थी। और मैं आपको बताऊं, वो पहाड़ पे है बिल्कुल मंदिर, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा हवा थी कि एक दूसरे से बात भी नहीं करा, और इतनी ज़्यादा ठंडी थी वहाँ पे, काफ़ी पहाड़ साथ साथ में थे ना, तो वो एनवायरनमेंट ही ऐसा हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। तो थोड़े थोड़े बीच के रास्ते के भी मैंने वीडियोज़ थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, वो मैं आपको आज शेयर करके दिखाऊँगी किस तरह की थी। और साथ में वो मंदिर की जो ऊपर से जो नीचे का नज़ारा दिखता है ना, वो भी बड़ा ज़्यादा सुंदर है, और हमारा पूरा चंबा दिखता है वहाँ से, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी अच्छे से, तो वो भी आपको अच्छे से इंजॉय करना है। और मैं आपको अपनी पहाड़ों की बात बताऊं तो भले ही हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी क्लीन है, अच्छा है, बट एक प्रॉब्लम है कि पहाड़ों की लाइफ इसलिए भी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी लाइफ जो होती है ना, उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। पहाड़ों में रहना ईजी नहीं है, क्योंकि जो पहाड़ों के लोग होते हैं, पहाड़ों में जिनके घर होते हैं ना, उनको चलने फिरने में भी, वो तो वैसे ईजिली चल लेते हैं, लेकिन हम जैसे कभी पहुँचे तो हम तो फंस जाएंगे। तो अगर मैं अपनी ही बात करूं, हम सभी गए हुए थे तो वहाँ पहाड़ों से हमें होकर जाना पड़ा था, तो चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है, वो लोग तो ईजिली चल लेते हैं, लेकिन हम भी सोच रहे थे कि कहीं रात को किसी टाइम जाना पड़ जाए तो सच्ची दिक्कत हो जाएगी, कहीं गिर ही ना जाए, क्योंकि जिनको आदत नहीं होती है ना, तो उनके गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो वैसे तो सब कुछ अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, बट जैसे वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आई थिंक। तो बातें तो बाद में होती रहेंगी, तो चलिए आप पहले वो क्लिप देख लीजिए कैसे था वहाँ का एनवायरनमेंट, और कैसे थे वहाँ के रोड वगैरह, और चारों तरफ से जो हमारा छोटा सा शहर दिखता है वो भी कैसा था, आप मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए पहले वो एंजॉय कर लेते हैं।
ओके, तो ये थी छोटी सी क्लिप जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। कैसे लगे जरूर मुझे कमेंट में बताना, और कैसा लगा आपको चारों तरफ का हमारा व्यू, हमारा छोटा सा चंबा मैंने आपको दिखाया है। इस तरह सी है हमारी लाइफ, इस तरह से छोटी सी सिटी है हमारी, बहुत बड़ी नहीं है, इतना फैसिलिटी नहीं है। बट वो कहते हैं ना कि अपनी सिटी सभी को प्यारी होती है, वैसे ही है। मुझे अपना बहुत ही अच्छा लगता है, अपना जहाँ मैं रहती हूँ, अपना घर, अपना गाँव, अपना प्लेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। तो अपनी जगह हर किसी को पसंद है, चाहे वो एक झोपड़ी में क्यों ना रहे। मुझे पता है अपनी जगह से सभी को प्यार होता है जहाँ पे हम लोग रहे हैं। तो यही मैंने छोटी सी आपको क्लिप दिखाई है, कैसा लगा ज़रूर बताना। और गाइस, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है, और वीडियोस अगर अच्छी लगे तो अच्छे से कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आई होप मैंने आपको कुछ अच्छा दिखाया है, डिफरेंट दिखाया है, आपने भी इंजॉय किया होगा। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ मुझे बताना कैसा लगा आपको आज का वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।